गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक रोटेटिंग अ पिक्चर शेप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट तो हम लोग टेक्स्ट uh, या ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करेंगे uh, या शेप को पिक्चर को कैसे रोटेट करना है ये सब हम लोग सीखेंगे सो लेट्स कम टू द पॉइंट क्लिक ऑन द पिक्चर तो सबसे पहले क्या करना है पिक्चर पे क्लिक करना है या फिर शेप वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स डैट यू वॉन्ट टू रोटेट या फिर वर्ड आर्ट पर या टेक्स्ट बॉक्स पे जिसको कि हम लोग रोटेट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट इज ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द ग्रीन नोड फिर आ, जो पॉइंटर है उसको हम लोग ग्रीन नोड पे आ, हम लोग उसको आ, रखेंगे लाएंगे द पॉइंटर चेंजेस टू ए रोटेशन हैंडल और आप देखेंगे कि जो रोटेशन हैंडल है वो पॉइंटर का वो इस ढंग से दिखेगा एरो की तरफ तो इस ढंग से दिखेगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक ऑन द रोटेशन हैंडल तो फिर उस रोटेशन हैंडल पे क्लिक करना है द पॉइंटर विल चेंज इन टू तो आप देख रहे हैं किस ढंग से ये जो साइन दिख रहा है इस ढंग से चेंज हो जाएगा ड्रैग द माउस इन द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू रोटेट द शेप और फिर माउस को उसी डायरेक्शन में रोटेट करना ड्रैग करना है यानी खींचना है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करना चाहते हैं शेप को नेक्स्ट इज टिप टू रोटेट अ पिक्चर यूजिंग द प्री डिफाइंड ऑप्शन तो हम लोग पिक्चर को रोटेट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन है जिसको कि हम लोग फॉलो करेंगे सो फर्स्ट इज सेलेक्ट द शेप सबसे पहले शेप को सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब और फिर फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इन द अरेंज ग्रुप फिर अरेंज ग्रुप में जाएंगे और सेलेक्ट द रोटेट बटन उसके बाद रोटेट बटन को सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट इज चूज़ द डिजायर्ड रोटेशन ऑप्शन और फिर uh, जो डिजायर्ड रोटेशन ऑप्शन है उसको हम लोग चूज करेंगे कहाँ से फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ड्रॉप डाउन मेनू से नेक्स्ट इज नोट प्री डिफाइंड रोटेशन ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द होम टैब तो प्री डिफाइंड रोटेशन ऑप्शन जो है वो पहले से ही अवेलेबल है कहाँ पर होम टैब में नेक्स्ट सेलेक्ट द होम टैब सबसे पहले क्या करेंगे होम टैब को सेलेक्ट करेंगे फिर ड्राइंग ग्रुप में जाएंगे और फिर अरेंज बटन को सेलेक्ट करेंगे और फिर रोटेशन ऑप्शन को नेक्स्ट इज रिसाइजिंग अ पिक्चर शेप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट तो अब हम लोग पिक्चर को कैसे पिक्चर शेप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करेंगे यानी जिस साइज में हम लोगों को चाहिए उस साइज का उसको सेट कर करना है तो कैसे करेंगे सो कम टू द पॉइंट रीसाइजिंग स्ट्रेचेज और श्रिंक द डायमेंशंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ऑब्जेक्ट का जो एक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोगों को रिसाइज करना है उसको सिकोड़ना है या फैलाना है तो उसके लिए क्या करना है सो फॉलो दिस स्टेप्स हेयर द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स साइज तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए नेक्स्ट ब्रिंग द पॉइंटर टू एनी ऑफ द एट रिसाइजिंग हैंडल्स फिर पॉइंटर uh, को uh, कहाँ पे ले जाना है एनी एट रिसाइजिंग हैंडल्स जो भी uh, वहाँ पे कोई भी जो रिसाइजिंग हैंडल्स है वहाँ पे ले जाना है ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और हैंडल्स uh, आप लोग जानते हैं रिसाइजिंग हैंडल ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है uh, ये इसको ही रिसाइजिंग uh, बोलते हैं हैंडल तो कहीं पे भी ले जाना है ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू ए डबल हेडेड एरो जब इस ढंग से डबल हेडेड एरो के रूप में जब चेंज हो जाता है पॉइंटर तो क्या करना है ड्रैग द हैंडल इन टू डिक्रीज तो इनवर्ड ले जाना है यानी अंदर की ओर ले जाना है डिक्रीज करने के लिए एंड आउटवर्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द शेप तो अगर साइज अगर सेप का जो साइज़ है उसको अगर इंक्रीज करना है तो बाहर की तरफ खींचना है उसको ड्रैग करना है और अगर छोटा करना है तो उसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है नेक्स्ट इफ़ यू वांट टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट को रिसाइज़ करना बाय कीपिंग द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस तो सेम प्लेस पे उसके सेंटर को रखते हुए अगर आप चाहते हैं देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू ड्रैग और क्या करना है इस केस में हम लोगों को कि कंट्रोल की को होल्ड किए रहना है उसको प्रेस किए रहना है एज यू ड्रैग जैसे ही हम लोग ड्रैग करना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग शेडो इफेक्ट्स तो शेडो इफेक्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इन एडिशन टू एडिंग टेक्स्चर्स एंड कलर्स यू कैन अप्लाई शेडो इफेक्ट्स टू एनी शेप तो किसी भी शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं शेडो इफेक्ट्स डाल सकते हैं शेडो मतलब आप लोग जानते हैं छाया तो so, आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में सेवन पॉइंट ट्वेल्व पिक्चर में आप फिगर सेवन पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो किस ढंग से दिख रहा है शेप के साथ तो अगर आप लोग ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हैं इस ढंग का टेक्स्चर दिखाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं इट विल मेक द शेप इम्प्रेशन इन इम्प्रेसिव इन अपियरेंस तो इसका जो अपियरेंस है काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा यानी काफ़ी प्रभावपूर्ण होगा जो देखने पे किसी पे प्रभाव डाल डाल सकता है इस ढंग का शेप अगर हम लोग यूज करते हैं शेडो के साथ तो नेक्स्ट इज सेलेक्ट एनी शेप उसके तो कैसे करना है तो सबसे पहले किसी भी शेप को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट बटन और फिर शेप इफेक्ट बटन जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको सेलेक्ट करना है इन द ड्राइंग ग्रुप ऑन द होम टैब तो ये कहाँ मिलेगा तो होम टैब में जाने के बाद जो ड्राइंग ग्रुप है उसमें हम लोग को शेप इफेक्ट बटन मिलेगा तो उसी पे क्लिक करना है सेलेक्ट द शेडो ऑप्शन उसके बाद शेडो ऑप्शन जो कि आपको यहाँ सेलेक्टेड दिख रहा है उसको सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ड्रॉप डाउन मेनू से उसको शेडो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है क्लिक ऑन द ऑपसेट सेंटर तो वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलेक्टेड सेलेक्टेड यहाँ पे है ऑपसेट uh, सेंटर इन द आउटर सब ऑप्शन इन द आउटर सब ऑप्शन यानी कि ये पहला ऑप्शन है और इसके अंदर जो ये ऑप्शन है तो इसलिए इसको सब ऑप्शन बोलते हैं उसमें से आपको ऑफसेट सेंटर पे क्लिक करना है द ऑब्जेक्ट विल अपेयर विद द शेडो तो जो ऑब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट किए थे शेडो डालने के लिए तो वो जो है शेडो के साथ अपेयर आपको होता दिखाई देगा वो नेक्स्ट इज नोट यूजिंग द फॉर्मेट टैब यू कैन ऑल्सो अप्लाई शेडो इफेक्ट तो फॉर्मेट टैब को यूज करते हुए आप जो है शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे फिर शेप स्टाइल ग्रुप में जाएंगे फिर शेप इफेक्ट्स बटन में और फिर शेडो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे